Now, I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Muhammad Zafar, Superintendent NHMC Chaniot. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. Please, sir, start and share your precious knowledge about meningitis. Please, sir. अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद जफर अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक छोटा सा है, मेनिंजाइटिस से मुतल्लिका है। बहुत कॉमन क्लिनिकल कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजियस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। जैसा कि आप लोग पता कि मेनिंजियस की सोजस जो है वो मेनिंजाइटिस लफ्जी मतलब तो यही बनता है। इसमें जो मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस ये काज के लिहाज से, उसके वजूहत के लिहाज से मुख्तलिफ इसको क्लासिफाइड भी करते हैं अकॉर्डिंग टू काज। जैसे कि मनिंजो कोकल मनिंजाइटिस है, इसी तरह दूसरे जो बैक्टीरियास वगैरह है, निमोकोकाई है, स्ट्रिप्टोकोकल है, स्टेफिलोकोकल मनिंजाइटिस है, इसी तरह हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजाई मनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मनिंजाइटिस। तो ये काज के लिहाज से, उसको वजूहत के लिहाज से उस दर्जाबंदी भी की जाती है। कॉमन जो एक मेनिंजाइटिस को समझ लिया जाता है वो मनिंजो कोकल मेनिंजाइटिस को लिया जाता है। उसके लिहाज से उसको क्लिनिकल जो है, आगे मैं इसको थोड़े से वजाहत करता हूँ। अगर इसके एसेंशियल ऑफ डायग्नोसिस को देखें, जो ज़्यादा इसके प्रोमिनेंट सिम्टम्स होती हैं उनमें फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, डिलीरियम, कन्वल्शन और इसी तरह जो है पिन पॉइंट रैशेस स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसा कि आँख का कंजंक्टिवा है वहाँ पे पिन पॉइंट रैशेस जो नज़र आते हैं, नेक और बैक जो स्टिफनेस है, इसी तरह जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड का अगर कल्चर करवाया जाए या ब्लड जो एग्जामिन करवाया जाए तो उसके ज़रिए हम लोग आगे इसको डायग्नोज कर सकते होते हैं। बाज़ का इसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पर जो है कोआगुलेशन हो जाती है ब्लड में, ये भी इसके कॉम्प्लिकेशन में आता है। इसी को मैं अगर हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स में देखें इसको, तो फीवर जो है वो बहुत हाई ग्रेड होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है इसको। इसी तरह चिल्स साथ होंगी और हेडक, बैक पेन और अब्डोमिनल पेन जो है इसके साथ साथ एक्सट्रीमिटीज पेन होती हैं। मसलन के उसको जो है तेज़ बुखार है, साथ कपकपी तारी रहेगी, सर दर्द और उसके जो कमर है पेन, पेट है और हाथ पांव एक्सट्रीमिटीज जो हैं उनमें उनको शदीद दर्द होगा, साथ नौजी और वॉमिटिंग हो सकती है साथ। और इसी तरह अगर ज़्यादा जो है सीवियर हालत जो है में चला जाए तो मरीज कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, डिलीरियम होता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के तौर पर कोमा में भी जा सकता है। इसी तरह जो है उसको अगर कन्वल्शन देखा जाए, उसको झटके लगते हैं, मरोड़ आते हैं उसके, और जो है उसके जो नकल है, नकल बैक ऑफ द जो नेक है स्पाइन की तरफ जो बैक हिस्सा होता है नकल जो है वो, और उसका सारी कमर जो है वो रिजिड हो जाती है, रिजिड में इतनी सख्त हो जाती है उसको मूवमेंट मुश्किल से हो जाती है। उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन के तौर पे अगर देखा जाए तो आपको उसको स्ट्रेचर पे या किसी फ्लैट जगह पे मरीज को लिटाएंगे तो अगर उसका जो है बिल्कुल फ्लैट लिटा के टांगे उसके बिल्कुल सीधी और गर्दन को थोड़ा सा ऊपर को झुकाया जाए, उठाया जाए तो वो फ्लेक्शन जो होती है मूवमेंट वो गायब होगी, रिजिड होगी, उसकी नेक भी रिजिड होगी। और इसी तरह अगर उसके आप जो है उसकी लेग्स को 90 डिग्री पर जो है ऊपर फ्लेक्स जो ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो वो भी उसको फौरन पेन होगी। ये उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिहाज से उसको देखा जाता है कि रिजिड हुई होता है उसका, जितना भी उसको स्टिफनेस की वजह से, खिंचाव की वजह से वो उसकी फ्लेक्शन जो होती है, लचकपन जो होता है वो खत्म हो चुका होता है, उसको शदीद दर्द होता है। इसी तरह अगर इसको लैब फाइंडिंग्स में देखा जाए तो लैब फाइंडिंग में अब उसका ब्लड एग्जामिन कराते हैं, लिकोसाइटोसिस पाया जाएगा अर्ली स्टेजेस में। और इसी तरह जो है यूरिन में उसकी प्रोटीन जो है आना शुरू हो जाएगी, आरबीसीज भी कास्ट और आरबीसीज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर इसका जो है लंबर पंक्चर करवाया जाए,
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एग्जामिन करने के लिए लंबर पंक्चर के जरिए उसको जो सैंपल लेते हैं, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का अगर आप उसको एग्जामिन करवाएंगे तो उसमें आपको जो है शुगर लेवल लो मिलेगा, उसमें WBCs और प्रोटीन्स इंक्रीज मिलेंगे। इसके अलावा डॉक्टर्स को सिटी स्कैन वगैरह करवाते हैं, उसको स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि वहाँ पर स्वेलिंग जो है वो वाजह तौर पर उसमें नज़र आ जाती है। इसकी अगर जो है कॉम्प्लिकेशन देखी जाए, पेचीदगियाँ इसकी अगर इसको देखा जाए तो इसमें आगे चल कर आर्थराइटिस हो सकता है। बंदे को क्रेनियल नर्व्स जो है उसकी जो 8 क्रेनियल नर्व्स होती है वो ज़्यादा डैमेज होती है, जिसकी वजह से वो डेफनेस का शिकार हो सकता है। इसी तरह जो है अगर जो है हामला खातून जो है वो मेनिंजाइटिस का शिकार हो गई है तो उसमें जो इन्फेंट पैदा होगा वो हाइड्रोसेफेलिस उसका वो शिकार हो सकता है, या इंसान जो है जिसको इन्फेक्टेड पर्सन को मायोकार्डाइटिस भी हो सकती है, निफ्राइटिस है, तो ये इसके आगे चल के अगर जो है ये मजीद जो है डैमेज हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन इसमें आ सकती होती है। अगर दूसरे फैक्टर्स जो है स्टेफिलोकोकल है या जो है स्ट्रिप्टोकोकल है, इसी तरह जो है दूसरे एक और जरासीम का नाम मैंने लिया था जिसको बैक्टीरिया का नाम लिया था कि स्ट्रिप्टोकोकल है, स्टेफिलोकोकल है या न्यूमोकोकल है, ये भी काज होते हैं मेनिनजाइटिस के। तो उसमें क्या है कि उनकी सिम्टम्स जो है सेम ऐसे ही होती हैं जैसे कि ये मेनिंजोकोकल जो है मेनिनजाइटिस होती है, इसी से मिलती जुलती अलामत होती हैं। इसी तरह एक और जो है हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजाए मेनिनजाइटिस है, तो ये भी जो है ज्यादातर 6 साल की उम्र के बच्चे ज्यादातर इसका शिकार होते हैं। इसमें भी जो है ज्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन साथ जो है सिम्टम इन्फेक्शन होती है, साथ उसके वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की सिम्टम्स भी जो है वो शामिल होना शुरू हो जाते हैं, साथ उसको हेडेक होती है, इरिटेबल बच्चा होता है, बहुत ज्यादा चिड़चापन हो जाएगा, बुखार, थकावट, वॉमिटिंग, और उसका भी जो है गर्दन और जो कमर है वो रिजिड हुई हुई होती है, सख्त हुई हुई होती है इस बच्चे की भी, तो ये उस लिहाज से ये भी एक क्लास है। इसी तरह जो है ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस है, ये असल में जो है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है उससे इन्फेक्टेड होते हैं बंदे, जो उसके क्योंकि आपको पता है कि टीबी जो है जिसमें किसी भी हिस्से में जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है वो आगे स्प्रेड हो सकती है, जैसे कि जो है पल्मोनरी टीबी से आगे वो इंटेस्टाइनल टीबी में जा सकती है या अवेरियन टीबी में जा सकती है। इसी तरह माइकोबैक्टीरियम जो आगे जो है मुख्तलिफ ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज करता रहता है, तो इसी में जो है मेनिनजाइटिस भी उसी ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस उसी क्लास का एक हिस्सा है बेसिकली, तो उससे रिलेटेड इसके सिम्टम्स वही मेनिनजाइटिस से रिलेटेड जो पहले मैंने बयान कर दिए हैं उसी से ही मुतलका होती हैं। तो इसके जो है बेसिकली जो है केमोथेरापी की जाती है, इसके लिहाज से उसको जो है अकॉर्डिंग टू काज उसको डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जी, मेरा बिल्कुल कल डॉक्टर साहब का हुक्म था कि 10-15 मिनट बोलना है, तो उस लिहाज से मैंने देखा हुआ था। अगर किसी ने कोई थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद जफर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर योर प्रीशियस टाइम यू हैव गिवन अस माशाल्लाह ग्रेट जॉब योर ओवर आर लेक्चर इन फैक्ट योर ईच एंड एवरी वर्ड वाज वेरी इंफॉर्मेटिव प्रीशियस एंड बेनिफिशियल फॉर आवर लिसनर्स एंड यू हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल इन इजी वे अबाउट मेनिनजाइटिस थैंक यू सो मच एंड थैंक्स लॉर्ड डॉक्टर फातिमा फॉर योर इंफॉर्मेटिव लेक्चर अबाउट फैटी लिवर एंड डाइट एंड माई स्पेशल